राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह के समय प्रदूषण के धुंध छाई हुई नजर आई, तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में QI गंभीर स्तर पर बना हुआ है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले प्रदूषण में हल्की कमी जरूर आई है। राजधानी दिल्ली में लोग जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। दिल्ली में रविवार की सुबह आसमान में प्रदूषण की धुंध नजर आई, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली के कई इलाकों में QI गंभीर स्तर पर बना है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले प्रदूषण में हल्की कमी जरूर आई। दिल्ली में QI का स्तर ओवरऑल 385 दर्ज किया गया था, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले कम है। दिल्ली में QI का स्तर ओवरऑल 400 के पार पहुंच गया था, जो कि गंभीर श्रेणी में था। अब ऐसे में एक बार फिर प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जा रही है, तो वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 से 2 दिन में बारिश के पूरे आसार हैं, जिससे तापमान में तो गिरावट आएगी ही, साथ ही साथ प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की माने तो साउथ ईस्ट दिशा से हवाएं चलेंगी। इनकी गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वही 27 नवंबर को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से 4 से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हल्की बारिश हो सकती है। बारिश होने से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अलीपुर का QI 404, पंजाबी बाग का 440, मंदिर मार्ग का 398, नेहरू नगर 423, अशोक विहार 431, जहांगीरपुरी 450, रोहिणी 422, आनंद विहार 423 और मुंड का 441 पहुंचा है। बहरहाल आगे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में मौसम में बदलाव आएगा और बारिश और हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को इस प्रदूषण से राहत मिलेगी। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।